नमस्कार, सिल्क टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ विकास कुमार सिंह। सूबे में कोरोना का कहर बढ़ रहा है। भागलपुर में भी बीते दिनों रिकॉर्ड 125 कोरोना संक्रमण के मामले सामने आने के बाद लोग चेते नहीं हैं। लोग जो है घर से बाहर बेवजह निकल रहे हैं। आप देख सकते हैं, ये लोहिया पुल पर मैं अभी इस वक्त खड़ा हूँ, लोग उल्टा पुल के नाम से भी जानते हैं। ये लोहिया पुल का नज़ारा है और ख़ासकर हम यहाँ से आपको कुछ तस्वीरें दिखाना चाहेंगे। हम अपने कैमरामैन से चाहेंगे कि वो जो है उल्टा पुल जो है लोहिया पुल के नीचे की तस्वीरें आपको दिखाए, जहाँ पर जो है खासकर सभी प्रकार की दुकानें जो है सजी हुई है। जबकि आदेश है सूबे में कि जो है गैर जरूरी दुकानें बंद रहेगी, लेकिन आप देख सकते हैं कि किस तरह से ये लोहिया पुल के नीचे का नज़ारा है। तकरीबन सभी दुकानें खुली हुई है, हर तरह की दुकानें खुली है। फल सब्जी से लेकर सारी दुकानें जो गैर जरूरी दुकानें हैं वो भी खुली हैं। हम आपको बता दें कि जिला प्रशासन के द्वारा बार बार खदेड़ा गया था, फिर से ये दुकानें लगा लेते हैं। सुबह में जिला प्रशासन के द्वारा इन सभी दुकानदारों को जो है खदेड़ा गया था, सभी दुकानें बंद कराई गई थी जो गैर जरूरी दुकानें थीं। लेकिन उसके बावजूद जब यहाँ से पुलिस प्रशासन हटी तो उसके बाद फिर से ये दुकानें सज गई है। और आप देख सकते हैं कि जो जितने भी यहाँ पर दुकानदार हैं, तकरीबन सभी दुकानदार आप दिखाइए, किसी के चेहरे पर जो है मास्क नहीं है और वो फल बेच रहे हैं, वो सब्जी बेच रहे हैं। और ख़ासकर जबकि भागलपुर शहर में कोरोना संक्रमण के मामले में लगातार वृद्धि देखी जा रही है, उसके बावजूद भी लोग चेत नहीं रहे हैं, लोग जो है समझ नहीं रहे हैं। आप देख सकते हैं ये उल्टा पुल जो है लोहिया पुल के ऊपर का नज़ारा है। ये घरों से बेवजह निकलने वालों की जो लोग हैं ये समझ नहीं रहे हैं, ये मानने को तैयार नहीं हैं। लेकिन जबकि हालात जो है प्रत्येक दिन कोरोना संक्रमण के मामले में लगातार वृद्धि हो रही है शहर में, जिला प्रशासन पुलिस प्रशासन के द्वारा भरसक प्रयास की जा रही है कि जो है लोगों को समझाया जाए, लोगों को घर में रोका जाए। दुकानें जो गैर जरूरी दुकानें हैं वो नहीं खुले, लेकिन फिर भी उल्टा पुल के नीचे जब जिला प्रशासन पुलिस प्रशासन के द्वारा इन सभी दुकानों को खदेड़ा गया था, जिला प्रशासन पुलिस प्रशासन के हटने के बाद फिर से ये दुकानें सज गई है। अधिकतर लोग बेवजह घर से निकले हुए हैं, इनको ये समझ में नहीं आ रहा है कि शहर के हालात क्या हैं, ये समझने को तैयार नहीं है। लोग बेवजह घूम रहे हैं। पुलिस प्रशासन हद तक कोशिश करती है कि लोगों को घर में रोकें, लेकिन लोग समझने को तैयार नहीं है। आखिर इस सब चीज़ों के जिम्मेदारी कौन लेगा? ये हम सब की जिम्मेदारी है कि कोरोना से लड़ें, कोरोना को हराएं। किसी एक की जिम्मेदारी नहीं बनती है, कोई राजनीति मामला नहीं है, कोई राजनीति बातें नहीं है इसमें, ये हम सबों की जिम्मेदारी बनती है। उसके बावजूद भागलपुर शहर के ये लोग सोचने को मजबूर नहीं हो रहे हैं, ये घर से बेवजह बाहर निकल रहे हैं। हालांकि जिला प्रशासन पुलिस प्रशासन के द्वारा लगातार चेकिंग अभियान चलाई जा रही है, लोगों को रोक कर मास्क पहनने के लिए जो है आग्रह अपील कर रहे हैं, उनसे जुर्माना वसूला जा रहा है, जुर्माना के एवज में उन्हें 2 मास्क दिए जा रहे हैं, बेवजह घर से नहीं निकलने की बार बार अपील की जा रही है। लेकिन यह नज़ारा आप देख सकते हैं, खासकर लोहिया पुल के नीचे का यह नज़ारा आप देख सकते हैं कि अधिकतर जो दुकानदार हैं उन्होंने मास्क नहीं लगाया है, और गैर जरूरी जो दुकानें हैं जिसका कि आम दिनचर्या से कोई लेना देना नहीं है, ऐसी दुकानें यहाँ पर खुली हुई है। और ये लोग समझने को तैयार नहीं है कि हमारे शहर भागलपुर शहर के जो हालात हैं वो दिन प्रतिदिन बद से बदतर होती जा रही है। कोरोना संक्रमण के मामले में लगातार वृद्धि देखी जा रही है, उसके बावजूद जो है लोग सोच नहीं रहे हैं, समझ नहीं रहे हैं। लोग बाजार आ रहे हैं, घर से बाहर बेवजह निकल रहे हैं। आखिर कब चेतेंगे ये लोग, जबकि शहर के हालात बेकाबू हो जाएंगे। आप सोच सकते हैं कि जिला प्रशासन की पूर्व में तैयारी की गई है, रेलवे स्टेशन पर जो है 11 रेलवे डब्बे को आइसोलेशन वार्ड में तब्दील कर दिया गया है। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जब जिला प्रशासन पूर्व में इसकी तैयारी कर रही है तो हालात बिगड़ने वाले हैं। अगर अब भी हम नहीं चेते तो ये हालात शहर के बेकाबू हो जाएंगे और ये सब जो है एक दिन हम सब इनकी चपेट में आ जाएंगे, अगर अभी भी लोग नहीं चेते तो। और आप खासकर ये नज़ारा आप दिखाइए, ये देखिए बेवजह दुकानें लगाई गई है लोहिया पुल के ऊपर भी। आखिर जिला प्रशासन भरसक प्रयास के बावजूद भी सफल नहीं हो पा रही है, या फिर ये जो लोग हैं जो बेवजह घर से बाहर निकालते हैं इन्होंने कसम खा ली है कि जो है शहर को बद से बदतर स्थिति में पहुंचाकर ही दम लेंगे।
हम सबों की ये जिम्मेवारी है। बार बार मैं आपसे अपील करता हूँ, हाथ जोड़कर मैं आग्रह करता हूँ कि शहर के हालात को समझने की कोशिश कीजिए। शहर के हालात बेकाबू हो जाएंगे, किसी के हाथों में कुछ नहीं रहेगी। शहर के चिकित्सा व्यवस्था जो है किसी से छुपी नहीं है, उसके बावजूद भी लोग नहीं समझ पा रहे हैं। इसलिए मैं बार बार आप सबों से आग्रह करता हूँ, अपील करता हूँ, रिक्वेस्ट करता हूँ, निवेदन करता हूँ कि आप लोग घर पर रहिए, अगर बहुत ज़रूरी हो तो घर से बाहर निकलिए और चेहरे को मास्क से ढक कर रखिए और अपना और अपनों का ख्याल रखिए। घर पर रहिए, सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए। Thank you.